अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल चेंजिंग सीजंस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और चल रहा है मेरा काम, जैसे कि स्कूल शुरू हो रखे हैं तो बस जल्दी जल्दी मुझे उनका टिफ़िन बनाना है। तो टिफ़िन में मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया और पराठे। और बस बच्चे अभी उठ चुके हैं और ये कपड़े इधर इसलिए पड़े क्योंकि बारिश जो है, आजकल बारिश का मौसम हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश। जब मैं कपड़े सुखाती हूँ तो बारिश रहती है, ऐसे धूप रहती है, तो मतलब ऐसा चल रहा है मौसम। तो बस मैं जल्दी जल्दी अभी काम शुरू करती हूँ। यहाँ पे चढ़ी हुई है मेरी आलू की भुजिया और बस बच्चे भी उठ चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं सुबह का काम। अभी हम जा रहे हैं स्कूल। अच्छा मौसम था तो सोचा मैंने आज एक मूंग दाल का हलवा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 मुट्ठी मूंग दाल, यानी 2 छोटे कप मूंग दाल, और उसके अंदर मैंने एटलीस्ट 1.5 लीटर दूध डाला था और उसको मैंने कुकर में चढ़ाया था। तो यहाँ पर मैंने देखिए, आप देख सकते हैं दूध मैं डाल रही हूँ। ये मैंने आधा लीटर दूध डाला है और इसके बाद मैं और आधा लीटर दूध डालूँगी। एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर का दूध डलेगा, तो वो आपके दाल के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना दूध डालना है। मैंने यहाँ पे 2 कप डाल ली थी, उसमें मैंने 1.5 लीटर दूध डाला है और इसको मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। एटलीस्ट 1 सीटी होने के बाद मैंने इसको सिम किया। सिम करने के बाद इसको कम से कम हमने आधा घंटा तक रखना है ताकि मूंग दाल जो है अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मुझे लगाई थी भूख, तो मैंने सोचा जल्दी से ऑमलेट बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी, तो ये मैं बना रही थी ऑमलेट और बस उसके बाद नाश्ता करूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, वापस से मौसम चेंज हुआ है, कपड़े सूख नहीं रहे, मैंने थोड़े कपड़े बाहर रखे थे और मौसम एकदम से चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये मूंग दाल जो है अच्छे से गल गई है। और इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। वैसे तो ये ऑलरेडी ग्राइंड है, बट इसका खूब अच्छे से फाइन पेस्ट बनाएंगे हम। हेलो गाइस, तो आ गई हूँ मैं सामान लेके और अभी कुछ बज रहे हैं 12:30। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल, नॉर्मल सा खाना, मतलब लाइट सा खाना बनाने वाली हूँ। तो बस अब जाती हूँ घर और उसकी तैयारी शुरू करती हूँ। अभी अभी आपको मैंने सुबह दिखाया था ना, धूप हो रही थी, अभी मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बिल्कुल मौसम चेंज हो चुका है। तो बस घर जाऊँगी और कपड़े बाहर जो मैंने सुखाए हुए वो भी उठाना है, वो एक काम हो जाता है बारिशों में, कपड़े उठाना और सुखाना। तो चलो मिलती हूँ घर पर। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर और घर आते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि हलवा भुनने रख देती हूँ। जो मैंने मेरा ये लौकी जो रखी हुई थी जो ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसका हलवा बना लूँगी, तो उसको मैंने घिस के रख लिया था। तो बस उसको चढ़ा रही हूँ क्योंकि उसको जल्दी लगेगी बस बनने में, और बस वो जल्दी से बन जाएगा। उसके बाद मैं खाना रेडी करूँगी और फिर मैं चढ़ाऊँगी हलवा। तो जब मैं हलवा चढ़ाऊँगी तो आपको ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये यहाँ पे मेरे पास एक लौकी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो उसका हलवा बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी लिया है, घी के अंदर मैंने घिसा हुआ लौकी डाल दिया। इसको हम लोग खूब अच्छे से भून लेंगे घी में और बहुत इजी सी रेसिपी है, सब लोग इसी तरह बनाते होंगे आई गेस। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से घी में भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा तो इसमें मैं दूध डालूँगी, शक्कर डालूँगी और इसको खूब अच्छे से पका लूँगी। कई लोग इसको खीर की तरह रखते हैं, मतलब गीला रखते हैं, बट मैं इसको पूरा सुखा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल को देखिए अच्छे से मैश, मतलब ग्राइंडर में मिक्स कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था इसको। और उसके बाद मैंने क्या किया है, घी डाला है, घी में मैंने इलायची डाली और ये दाल का पेस्ट डाल दिया है। चूँकि स्कूल से आने का टाइम, तो जा रही हूँ मैं उनको लेने के लिए। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। अभी बारिश होने लगी थी, सुबह धूप थी और अभी फिर से बारिश होने लगी है। तो बस अभी जा रही हूँ मैं जल्दी से, वापस बारिश ना शुरू हो जाए, तो मैं उनका टाइम भी हो गया आने का, तो आके आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए भुन भुन के यहाँ पे घी निकलने लगा है। जब तक घी छूट जाए इसका, तब तक इसको अच्छे से भुनना है। कई लोग इस स्टेज पर इसको बंद कर देते हैं, किसी को इस तरह पसंद आता है, बट मैं इसको और ज़्यादा भूनूंगी जब बिल्कुल घी निकल जाएगा और ये अच्छे से हमारा जो है स्पून से अच्छे से घूमने लगेगा हलवा। अब देखिए ये है लौकी का हलवा और ये देखिए ये है इसका फाइनल स्टेज, जब पूरा घी अच्छे से निकल गया। इसके बाद भी मैंने इसको 2 मिनट तक सिम पे भुना था और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से डाल दिया है खोआ। आपकी चॉइस है, आप डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। शाम का वक्त और हो चुकी है बारिश का मौसम, मतलब बिल्कुल शुरू हो गया है। पहले यहाँ पे बारिश ऐसी नहीं होती थी, अभी कैसा है, दोपहर से जब से मैं बच्चों को लेके आई थी तब बारिश नहीं थी इतनी, उसके बाद से जो बारिश शुरू हुई है वो अभी तक बारिश शुरू है। तो बस घर में बैठे हैं, चाय वाय पी ली है
और अब खाना भी बना हुआ है मेरा रात का, तो बस अब ऐसे बैठे हुए थे। आज मैंने हलवा भी बनाया तो बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा भुनने में मेहनत है, अदरवाइज़ उसमें कोई मेहनत नहीं है, मतलब सिर्फ एक भुनना उसका एक है, अगर अच्छे से भुन गया तो उसका टेस्ट आएगा। तो बस आज का व्लॉग था इतना सा छोटा सा, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।